एक ऐसी अवस्था आती है जब भक्त उस प्रेम भक्ति की स्थिति में पहुंचता है तो फिर नदी का जल रूप हो जाता है। जैसे गोपिकाएं, कभी द्वारिका गए हो आप? ऐसे कितने लोग हैं जो द्वारिका होकर आए? गुजरात? अच्छा, आप होकर आए हैं? आप होकर आए? आप में से कई लोगों ने गोपी तालाब देखा होगा। द्वारिका जाते हैं तब भेंट द्वारिका के रास्ते में गोपी तालाब पड़ता है। वो गोपी तालाब कोई और नहीं, गोपिकाओं ने अपना शरीर छोड़ा, उससे वो जल और जल के अंदर मिट्टी बनी जिसको हम माथे पे लगाते हैं, गोपी चंदन वहीं से मिलता है। एक अवस्था भक्ति का वो अवस्था होती है जब जाकर आपकी आपका ही पंच भौतिक शरीर गलने लगता है और उसी प्रेम का जो गोपिकाओं ने अपना शरीर गलाया उसी से गोपी चंदन बना, उसी से जल बना। इसीलिए वहां से आप खोद करके ये गोपी चंदन लेकर आते हो गोपी तालाब का, क्यों उस अवस्था में पहुंचे कि जब उनके शरीर ही हट गया, वो शरीर मिट्टी रूप में हो गया और जल से ओतप्रोत, भाव का जल। इसलिए हमारे जगन्नाथ जी और क्या है भगवान को, जो जगन्नाथ जी का स्वरूप आप देखते हैं, पूर्ण हाथ नहीं, पूर्ण पैर नहीं, पूर्ण स्वरूप नहीं, वो भगवान का प्रेम के कारण पिघला हुआ स्वरूप है। अपने भक्त के लिए भगवान ने जो दया से द्रविभूत हो गए, अपने भक्तों का प्रेम के इतने रेडी हो गए कि उनसे वो प्रेम का स्वरूप झेला ना गया, तो फिर क्या हुआ, उनके शरीर गल गए, द्रवित हो गए। यही जगन्नाथ जी का स्वरूप है। इसीलिए जगन्नाथ जी का को हमारे कलयुग का भगवान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखो, सतयुग के हैं बद्रीनाथ जी, त्रेता युग के हैं रामेश्वरम, द्वापर के हैं द्वारिका नाथ और कलयुग के जगन्नाथ भगवान। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। जगन्नाथ जी के लिए जितना भी कहो उतना कम है महाराज। भगवान के एक भक्त हुए जिनका नाम था माधवदास। क्या नाम था? ये भगवान को देखो, अभी हम बता रहे थे ना संबंध होना चाहिए, तो इन्होंने भगवान को सखा का संबंध बनाया कि आप मेरे मित्र हैं। इतनी प्रगाढ़ निष्ठा हो गई महाराज कि वो खुद भगवान के साथ गिल्ली डंडा खेलने आते थे। क्या खेलने आते थे? एक बार महाराज गिल्ली उठाई, ठाकुर जी गिल्ली डंडा खेल रहे थे, तो भगवान की जब चाल आने वाली थी उससे पहले घंटा बज गया, भगवान को जाना पड़ा, तो गिल्ली लेकर के आए माधवदास जी, भगवान के स्वरूप में खींच के मरी, अपनी चाल किए बिना छोड़ गया हमको हरा करके। तो फिर पुजारियों ने डांटा, ये क्या किया आपने, भगवान है, तो उनको मार के बाहर भगा दिया। तो वो कहते हैं भगवान ने, मेरा तो सखा है पर उस भाव को कौन जाने बाहरी, क्योंकि को उस स्तर पर कोई नहीं पहुंचा तो कैसे जानेगा। लेकिन स्वयं भगवान उनके साथ खेलते थे। वही माधवदास जी का मन हुआ कि अब मुझे जगन्नाथ जी जाना चाहिए, तो भगवान उनके साथ गए। तो एक दिन समुद्र के किनारे भगवान जगन्नाथ जी को, जो उनको दिखते थे, बैठे थे, तो माधवदास जी कहते, प्रभु आप उदास क्यों हैं? बोले, भैया माधवदास तेरे कहने पे तो मैं जगन्नाथ जी आ गया, पर मेरो मन नहीं, मोए तो मेरे ब्रज की याद आ रही है। बोले, प्रभु क्या ऐसी सेवा करें जिससे आप यहाँ रुक जाओ? आप तो वहां पर भी वही काम करते हैं, यहाँ पर भी वही ठाकुर जी की ठाट पाट आपकी वही है। बोले, नहीं नहीं, मोकू तो चोरी करवे की आदत है, वो तो मोकू ब्रज में ही मिलेगी। तो कहा, प्रभु तो फिर आप मुझे छोड़ के जाएंगे? बोले, तू एक काम करेगा तो नहीं छोड़ के जाएंगे, तू चोरी कर ले हमारे लिए तो हम नहीं छोड़ के जाएंगे। ने कहा, प्रभु आप बताइए कैसे, क्या करूं चोरी में? बोले, तेरे राजा के बगीचे में जो तेरे शिष्य हैं भैया, उनके बगीचे में कटहल बहुत लगे, तो वो कटहल आज चोरी करवे कि? प्रभु मैं तो आपके लिए पूरा बगीचा ही मंगवा दूंगा कटहल का। बोले, ना ना ना, राजी राजी ना चाहिए, चोरी करके अगर लेके आवे तो बात बता। भगवान की इस बात को सुन करके माधवदास जी कहते, प्रभु
तुम्हारे लिए माला पकड़ी कोई बात न, चोरी भी कर लूंगो, तुम बताओ कब जानो है। तो भगवान उसको चालाकी समझाने लगे, माधव दास जी को देखो चोरी में बहुत तेजी होनी चाहिए, किसी के हाथ पकड़ने आओ ये चोर का काम होता है। तो भगवान ने उनको गुण सिखाए महाराज, अब बेचारे कभी साधु महात्मा ने चोरी करी नहीं महाराज, और भगवान के कारण भगवान की इच्छा को पूरी करने के लिए गए बगीचे में। भगवान आगे आगे चुपचाप गए लेकर के, सांझ का समय था, माधव दास जी से कहा कि तू पेड़ पर चढ़ जा। अब वो कभी पेड़ पर चढ़े नहीं, उनको सिखाते कि तू चढ़ जा और तू ऊपर से ये कटहल गिराना और मैं नीचे से लूंगा। अब माधव दास जैसे तैसे चढ़े ऊपर, और चढ़ने के बाद ऊपर से वह रहे, क्यों रे लाला कौन सी वाली कटहल चाहिए, ये वाली कि ये वाली। इतनी तेज आवाज थी कि माली के कान पर पड़ गई महाराज, वो सो रहा था। अब भगवान ने कहा ये वाली नहीं ये वाली, अच्छा ये वाली लेके आनी है। तो उन्होंने कहा कोई तो चोर आगे कटहल के लिए तोड़ने के लिए माली डंडा लेकर आता है। तब तक भगवान कहते हैं अरे पकड़ में आयो आयो आयो, तब तक तुम महाराज माधव दास जी कभी पेड़ पे चढ़े जैसे तैसे, उतरे कैसे वो आता नहीं उनको। तो चढ़े के चढ़े रह गए, भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। अब क्या हुआ, माली ने पकड़ लिया, पीछे से हाथ बांध दिए, 10 महाराज सोटे लगाए और सुबह बांध करके उनको मारा सोटे लगाता हुआ आ रहा था। तभी हाथी से चल करके बैठ करके राजा भ्रमण के लिए निकल रहे थे, उन्होंने गुरुजी को बंधा हुआ देखा और माली मार रहा ये देखा, तो हाथी से कूदे और अपनी छड़ी घुमाते हुए माली को खींच के मारी। अरे मूर्ख तू जानता नहीं है कौन है, हाथ खोल अभी के भी मेरे गुरुदेव है। चरणों में सष्टांग दंडवत प्रणाम किया, गुरुदेव आप कैसे इस अपराध, ये थोड़ा सा मूर्ख है, इसको माफ कर दूं, मैं क्षमा मांगता हूं, आप कृपा करें। अब माली को कौन सुने महाराज, माली बोलता जाए लेकिन कोई सुने नहीं। राजा ने कहा गुरुदेव आपकी अवस्था, बोले गलत का संग करेंगे तो ऐसा ही होगा। बोले गुरुजी आपने किसका संग ऐसा गलत कर लिया, बोले चोर का संग किया इसीलिए चोरी में पकड़े गए। बोले गुरुजी आप क्यों चोरी करेंगे, आपको क्या आवश्यकता। बोले भैया जाको चोर मित्र हो, बाकी आदत कहीं ना कहीं पड़ी जाती, उसी का कारण है कि भजन की माला छोड़ के आज हाथ बंधे हुए हमारे। तो राजा कहते हैं प्रभु गुरुदेव आप बताइए बात क्या है। तो कहा जगन्नाथ जी यहां से जाना चाहते थे, उनका मन ब्रज की ओर जा रहा था। तो जब मैंने पूछा क्या है तो कहते मुझे चोरी करनी है। तो मेरे साथ योजना बना के तुम्हारे बगीचे में कटहल चुराने आए, वो तो भाग गए, वो पेड़ पे ही चढ़ा के चले गए। तो कहा अच्छा खुद जगन्नाथ भगवान मेरी बगीचे में आए कटहल लेने के लिए। गुरुदेव उनसे कहना कहीं जाने की जरूरत नहीं, आज से उनका पूरा बगीचा है मैं उन्हीं के नाम करता हूँ। और कागज में लिख कर दिया से जगन्नाथ जी का सारा बगीचा। अब वो कागज लेकर आते, भगवान समुद्र के किनारे बैठे हैं, माधव दास जी जाते हैं, माधव दास जी को देख भगवान ठाका मार के हंसते, वाह भैया तैने तो कर ली चोरी, तू तो 10 सोटा और खा के आयो है, पूरी रात बंदो भयो रहे हो, ऐसे थोड़ी ना चोर हो मैं, तैने हमारे संग रह के इतनो भी अकल नहीं सीखी। उन्होंने कहा प्रभु कोई बात नहीं, हम 10 सोटा ही खा के आए लेकिन आपके लिए कटहल को पूरा बगीचा लेके आए हैं, लो आप ये आज के बाद आपको चोरी नहीं करनी पड़ेगी। भगवान ने उस पत्र को लेकर के कहा माधव चोरी में मेरी ललक नहीं है, मैं तो मेरे भक्तों के साथ लीलाएं करता हूं उसमें मुझे रस आता है, इसलिए ये कटहल इत्यादि ये सामग्री मेरे लिए कोई उपयोगी नहीं। तुम्हारा भाव देख रहा था, जिसने भजन पकड़ा है वो मेरे लिए क्या कर सकता है, पर तुमने मेरे लिए सब कुछ करना स्वीकार किया इसलिए। और महाराज इन्हीं माधव दास जी पर फिर आगे चल करके ऐसा समय पड़ा, कुछ प्रारब्धवश ऐसी बीमारी आई कि समुद्र के किनारे पड़े रहते महाराज और मलमूत्र का त्याग करते, शरीर से उठा भी नहीं जा रहा था, ऐसी अवस्था हो गई। तब स्वयं जगन्नाथ जी भगवान ने अपने ही हाथों से मलमूत्र का उठा करके उन्हें स्नान कराना, प्रतिदिन उनकी सेवा की, कोई कर सकता है, स्वयं परमात्मा आकर के उनकी सेवा करते हैं।
जब उनको पता चला उनको होश तक नहीं था और भगवान ने उनकी सारी सेवा सुश्रुवा की, जब उनको होश आया तो रोने लगे कि हरि मेरे लिए आपको इतना कष्ट झेलना पड़े, इससे अच्छा तो मैं मर जाता। तो भगवान हाथ पकड़कर कहते माधवदास अब तो तुम स्वस्थ हो ना, जब मेरे लिए तुम इतना सब कुछ करते हो क्या मेरा दायित्व नहीं बनता कि मैं मेरे भक्त के लिए सब करूं? मुझे इसमें आनंद मिलता है, परम शांति मिलती है, इसलिए जब मेरा भक्त जब तक उसके जीवन में श्वास है तब तक मेरा नाम जाप करे, जिस समय उस पर कभी कठिनता की घड़ी आए तो उसके लिए मैं हमेशा, फिर उसे करने की जरूरत नहीं, फिर मैं करूंगा। और भगवान निभाते हैं महाराज। तो यहाँ ये मनु महाराज की पहली पुत्री देवहूति जिनका विवाह कर्दम ऋषि से, दूसरी पुत्री आकुति जिसका विवाह प्रजापति रुचिराज से, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान का जन्म हुआ, तीसरी कन्या प्रसूति जिनका विवाह दक्ष से, जिनकी कन्या हुई सती जिनका कल हमने विवाह इत्यादि का प्रसंग सुना, फिर अगला जन्म उन्होंने पार्वती के रूप में रखा। तो ये मनु महाराज की तीन कन्या। अब आते हैं दो पुत्रों के विषय के बारे में। बड़े पुत्र हैं मनु महाराज के, इनका नाम है उत्तानपाद। क्या नाम है? इनकी दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति से आगे चलकर होते हैं ध्रुव और सुरुचि से होते हैं उत्तम। ये कोई और नहीं महाराज, कथा तो है किंतु इसके साथ वेदांत भी है। उत्तानपाद हम सभी जीव हैं। हम कौन हैं? हम सभी समाज में सभी ऊंचा पद चाहते हैं ना, हम चाहते हैं हमारा भी नाम हो, हम चाहते हैं लोग हमें भी जाने, हम चाहते हैं हमें भी यश की प्राप्ति हो, सफलता मिले, हर किसी की ये चाह है या नहीं? सभी उत्तानपाद हैं। या एक रूप में ये कह ले कि जब माँ के गर्भ से निकलते तो सबके ऊपर पैर होते हैं, उच्च उत्तानपाद, ऊपर की ओर पैर। कहां से निकलते हो? माँ के यहां से। जब निकलते तो कैसे निकलते हो? अवस्था नीचे सिर ऊपर। हम सभी जीव हैं, ये उत्तानपाद, और हम सभी की ये दो प्रवृत्तियां हैं, दो पत्नियां। पहली पत्नी का नाम है मन, दूसरी का नाम है बुद्धि। अच्छा सच सच बताओ आप किससे प्रेम करते हैं, बुद्धि से या मन से? किसे करते हो? बुद्धि से, मन से? तभी तो आप कहते हो सुनते सबकी हैं, करते अपने मन की है। यही तो न्याय करनी महाराज, ये मन ही राम सबसे गड़बड़ है। इन मन राम की मान ली ना तो सब में फजीते में फंस जाओगे। मन कहता है, अब कथा में भी कई लोग मन से ही आते हैं ना, चलो वहां अच्छा लग रहा है चलो चलते हैं, मन अच्छा, और यहां अगर बोर लगेगा तो फिर मन कहेगा चलो अब घर चलते हैं। तो कौन लेके जा रहा है बार बार हर जगह? मन। मन ये समझ नहीं पाता मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, उसे निर्णय देने का काम करती है बुद्धि। इसलिए मैं हमेशा अपनी कथा में कहती हूं कि आप मन को मत संभालिए। मन हमेशा बच्चे की तरह है, वो हमेशा हर चीज में जिद करता है, ये चाहिए 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 चाहिए, किसी हालत में चाहिए। किंतु यदि बुद्धि नियंत्रित रहेगी तो फिर मन कुछ नहीं कर सकता, मन को बात माननी पड़ेगी। ऐसे समझो आप चार दिन के भूखे हैं, व्रत किया है आपने और चार दिन में आपको भोजन नहीं मिला तो आपकी हालत कैसी होगी? और अचानक आपकी जो पसंद की चीजें वो थाली भरकर आ जाए तो इंद्रियां ललायत हो जाएंगी, जीभ पर पानी आने लगेगा है ना, पेट में चूहे कूदने लगेंगे, हाथ दौड़ेंगे कि एक बार हाथ में आ जाओ हम खा ले। मन कहेगा अब तो खा लेना चाहिए, मन का सही है, बुद्धि कहेगी चलो खाते हैं। आपने हाथ से उठाया, बस मुंह तक आने वाला था, पानी आ रहा है मुंह में, मुंह तक लेकर आए रसगुल्ले को, तभी अचानक कोई आके टोक दे, अरे इसमें जहर है, क्या होगा? कितने लोग खाएंगे? कितने भी भूखे हो महाराज फिर भी वैराग्य हो जाएगा, बुद्धि तुरंत कह देगी नहीं खाना और तुरंत हाथ फेंक देगा। अब मन चाहे कितना भी तड़प रहा हो, बुद्धि ने निर्णय दे दिया कि नहीं खाना है, तो किसको वश में करना है आपको? बुद्धि को। बुद्धि को विवेक होना चाहिए, समझ होना चाहिए कहां लगाना है कहां नहीं। इसलिए मन, मन तो बच्चा ही रहेगा, वो कभी नहीं सुधर सकता।
लेकिन बुद्धि कैसी हो? विवेकपूर्ण हो। ये विवेकपूर्ण हमारे द्वारा नहीं, हमारी बुद्धि हमारे द्वारा नहीं बन सकती। बुद्धि अपने द्वारा ये समझ नहीं सकती कि क्या सही क्या गलत है। इसीलिए हमें शास्त्रों का ज्ञान, हमें गुरुओं की आवश्यकता पड़ती है हर एक क्षेत्र में, जो हमें बताए, हमें समझ दे। फिर हम सत्संग इत्यादि अच्छे अच्छे कृत्य करते हैं तो फिर हमें समझदारी आती है, वो विवेक आ जाता है। इसीलिए हमारे जो ब्रह्मा जी है ना, वो बुद्धि के देवता है, क्योंकि बुद्धि नहीं होगी तब तक सृष्टि बना भी नहीं सकते, कुछ बना भी नहीं सकते हम। लेकिन बुद्धि कैसी हो? हंस के ऊपर बैठी हो। हंस के अंदर ये क्षमता होती है कि अगर दूध और पानी को मिलाकर रख दिया जाए तो वो दूध दूध को अलग कर देगा, पानी पानी को अलग कर देगा। मतलब ऐसी आपकी बुद्धि के अंदर क्षमता होनी चाहिए कि आपके लिए सही है क्या आपके लिए गलत है, ये निर्णय आप कर सको। इसे कहते हैं, ये ब्रह्मा जी का रूप है जो हमें दिखाया जाता है। ऐसी बुद्धि हो, नहीं तो हमारा बुद्धि बड़ा गड़बड़ करती है। कहीं लिखा हो झांकना मना है दीवार पे, तो और जाके झांकेंगे, महाराज है क्या, एक बार देख तो लें। कहीं लिखा है किताब, इस किताब को पलट के नहीं देखना है, फिर भी बुद्धि कहेगी ऐसा क्या है महाराज, देख तो ले एक बार। मतलब जो नहीं करने योग्य उसे करके देखेगी। सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है क्या लिखा होता है मैया? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग मानते हैं क्या? पिए जा रहे महाराज, पिए जा रहे। हमारे यहाँ कहा जाता है कि सिगरेट कितने इंच की होती है, कितने की होती होगी? आप में से तो कोई पीता ही नहीं होगा, आप बता दो इसे कितने इंच की होती है? ढाई, तीन, साढ़े चार इंच की होती है। आप समझो, साढ़े तीन या साढ़े चार जो भी है, इतने इंच की अगर सिगरेट हो, साढ़े तीन की लगभग होगी, मतलब दो तीन के, वो बड़ी है या आदमी बड़ा है? आदमी बड़ा है। कौन बड़ी है? अब देखा जाए तो कौन बड़ा है, चार इंच की सिगरेट या आदमी? आदमी बड़ा है ना, सिगरेट बड़ी है। क्यों? कथा में बैठा हो तो तुरंत उठा के ले जाएगी, चल चल थोड़ा, इतने 80 केजी के आदमी को उठा के ले जाएगी महाराज, कौन उठा के ले जाएगी? छोटी सी सिगरेट, चल थोड़ा सा लगा कर आते फिर कथा में बैठेंगे। इतने भारी बरकम को उठा के ले गई तो कौन बड़ा? हम क्या है, हम वैष्णो के गुलाम हैं। गुजरात में एक जगह कथा कहने हम गए, वहां पर खेड़ डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर तंबाकू की खेती होती है। किसकी खेती होती है? हमारे जैसे अपने यहाँ जो गेहूं वगैरह लगते हैं, सरसों लगती है, अपने क्या करते हैं, बाड़ लगा देते हैं। बाड़ जानते हो ना, तारों की बैरिकेटिंग कर देते हैं, कांटों के कुछ झाड़ वगैरह लगा देंगे जिससे जानवर ना अंदर आए। पर वहां महाराज कोई बाड़ नहीं लगाता, कोई सुरक्षा नहीं। तो एक जो हमारी कथा कराने वाले थे, वो पटेल जी थे, उनको पटेल बोलते वहां के जमींदारों को। तो हमने उनसे पूछा कि यहाँ आपको इनसे डर नहीं है, जानवरों से? तो उन्होंने कहा, दीदी इनको तो गधे भी नहीं खाते। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि इसको तो गधे भी नहीं खाते, और गधे महाराज खाते हुए इंसानों को देख के हंसते होंगे, लो जिसको हमने नहीं खाया क्या दिन आ गए महाराज, हंसते होंगे गधे भी कि देखो हमने जिसको छोड़ा, हम नहीं खाते वो इंसान खाता है। इसलिए महाराज वास्तविकता में बुद्धि निर्णय ही नहीं कर पाती क्या मेरे लिए सही है क्या गलत है। गुजरात में एक, आप जब जूनागढ़ जाएंगे तो गिरनार एक जगह है, वहां पे गिरी गाय मिलती है, गिरी गिरनार वाली गाय। देखा, इतने अपने कभी गौशाला में जाओगे, इतने बड़े बड़े सींग होते हैं उसके, है ना, लंबे लंबे। तो एक ग्वालिया था, प्रतिदिन दूध काटता था, दूध निकालता था गैया का। अब वो मन में विचार करता है, भैया ये गाय के बीच में जो इतनी जगह, इसमें मेरा सिर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? प्रतिदिन सोचे और दूध निकाले, ऐसे सोचते सोचते बहुत समय हो गया। एक दिन उसने कहा दूध बाद में निकालेंगे, पहले अपना सिर फंसा के देखूं आएगा कि नहीं आएगा।
और फंसाया उसने महाराज। अब गैया को भी लगा ये कौन सी महाराज, ये कौन है इस तरह से कर रहा है, वो एकदम उछली उछली तो उसका सिर फंस गया। उसने गाय की महाराज गले को पकड़ लिया, अब गाय ने देखा तो और उछले पीछे से, फिर तो उसकी मृत्यु पर बनाई, जोर से चिल्लाता है बचाओ बचाओ बचाओ, लोग इकट्ठे होते गैया को पकड़ते हैं, सींगों को पकड़ते हैं, उससे उसका सिर निकालते हैं। महाराज उसको पानी पिलाया जाता है, फिर लोग कहते हैं पागल था क्या, इतनी अकल नहीं थी, हाँ इसमें क्या सिर घुसाने की जरूरत पड़ी, इतनी अकल नहीं थी, इतना सोचा नहीं। पानी के घूंट लेते हुए कहता है 3 साल से सोच रहा था। अब बताइए बुद्धि ऐसी है हमारी, जो करने योग्य नहीं होते वो भी खोटे काम करना कर देते, उनमें फंस जाते हैं, विपत्ति में आ जाते हैं। बुद्धि निर्णय कर ली तो फिर दुविधा ही क्यों हो, कष्ट ही क्यों आए, क्योंकि हम सही समय पर हमें क्या निर्णय लेने चाहिए ये हमारी बुद्धि तय नहीं कर पाती। इसलिए कहा बुद्धि को इंसान को बढ़ाना चाहिए, और उसके लिए बुद्धि में विवेक हो। और सीधी सी सरल बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही, बिनु सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के ये विवेक बुद्धि में नहीं आ सकता कि क्या सही है क्या गलत है। एक चोर को भी अपना काम बुरा लगता है क्या, कभी उसे लगता है ये धर्म है, उसे तो लगता है बहुत बढ़िया काम है, हमारा ये दुनिया पागल है काहे को ऐसा बोल रहा है, कितना प्रॉफिट है हर चीज में। चोर डिसाइड नहीं कर पाता, गलत इंसान अगर ये समझ ले कि वो गलत कर रहा है तो करेगा ही नहीं, लेकिन बुद्धि ये निर्णय दे ही नहीं पाती। तो यहाँ पर महाराज हम सुनते किसकी हैं, मन की सुनते हैं, ना कि बुद्धि की, विवेकपूर्ण बुद्धि की नहीं सुनते। और मन की सुनेंगे तो कुछ देर के लिए प्रेजेंट में हमें हर चीज उत्तम लगेगी, अच्छी लगेगी, ये काम बहुत बढ़िया हुआ, लोग भी तारीफ कर देंगे बहुत अच्छा था, क्योंकि मन से करोगे तो हर काम उत्तम ही होगा, किंतु वो ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं। लेकिन बुद्धि से करोगे तो सत्य होगा वो काम, इसीलिए इनका बेटा है ध्रुव, ध्रुव को कहते सत्य। तो यहां उत्तानपाद को अपनी बड़ी रानी से प्रेम नहीं था, जिनके पुत्र थे ध्रुव, छोटी वाली रानी बहुत सुंदर थी, और छोटी वाली रानी के आकर्षण में आकर राजा ने बड़ी वाली रानी का त्याग कर दिया। हम भी तो यही करते, मन की सुनते हैं, बुद्धि कहती चलो कथा में चले जाओ, चलो ठाकुर जी के धाम कर लो, चलो ये कर लो, चलो सत्यनारायण भगवान की महीने में एक बार कथा कर लेनी चाहिए, सोचते सोचते निकल जाता है हमारा दिन, कभी होता ही नहीं है। इसलिए कहा कि जब कार्य बुद्धि विवेकपूर्ण नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर वो सत्य नहीं होगा, ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है सुख, कभी ना कभी वो क्षण की घड़ी आएगी जब हमारी ये सब चीजें हिलेंगी। तब यहाँ पर एक दिन ध्रुव जी महाराज अपनी माँ से पूछते, माँ हमारे पिताजी नहीं है क्या, तब माँ कहती तुम्हारा पिता यहाँ का राजा है। और सुन करके दौड़ पड़ते हैं पिता के उस राजमहल की ओर, जो इससे पहले कभी मिले नहीं पिता से। पिता ने देखा मेरा बड़ा पुत्र आ रहा है, देखते हुए भी अनदेखा कर दिया, छोटी वाली रानी के पुत्र को गोदी में बिठा के खिला रहा था। अब पिता का दायित्व क्या है, दोनों ही पुत्र समान होने चाहिए, पर राजा ने भेद किया, देखा तक नहीं उसे, बालक चित कर रहा है मुझे पिताजी एक बार एक बार एक बार उठा लीजिए। जब बहुत बार देखने के बाद भी नहीं उठाया तो दूसरी ओर विमाता बैठी थी, उसने देखा मेरे बेटे की गद्दी पर अधिकार लेने आया है, झटक के अलग कर दिया, इस गादी पर नहीं बैठ सकता, तू दासी पुत्र है, तेरी माँ का तो परित्याग हो चुका है, वो तो दासी से भी कम है, उसका पुत्र इस गद्दी पर नहीं बैठ सकता, इस गादी पर मेरे बेटे का अधिकार, उसका छीनने अधिकार है, अगर इस पर बैठना ही चाहता है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, और उसके लिए नारायण की तपस्या कर। देखिए सुरुचि ने जो ये कहा नारायण की तपस्या कर, ये तो सही था, लेकिन उसने जो अगली बात कही ना वो गलत थी। इंसान कितना अहंकारी होता है, उसने कहा कि ये तुझे गर्व, अब जब भगवान नारायण की तपस्या से सब कुछ मिल सकता है, लेकिन उसने अपने गर्व को इतना श्रेष्ठ बता दिया कि उसके लिए उसे नारायण की तपस्या करनी पड़ेगी तभी संभव है,
ये तो उसने भगवान को चैलेंजेस किया, भगवान को चुनौती दी कि मेरी गर्व तुमसे भी अत्यधिक पवित्र है। तो यहां पर सुरुचि जब बहुत अपशब्द कहती है, ध्रुव रोते हुए आते हैं माँ के पास, रोते हैं, माँ हम दासी के पुत्र हैं। वर्मा फिर अपना कष्ट कहती है, बेटा तुम्हारे पिता ने मेरा परित्याग कर दिया इसलिए तुम्हें यह कष्ट है। कहते माँ मैं अब विमाता को अत्यधिक इस किए हुए का दंड अवश्य भोगना पड़ेगा मेरी छोटी माता को। तब सुरुचि, देखो माँ का कार्य ही है संस्कार कब देने चाहिए, यही समय है संस्कार का समय। ये नहीं कि जब आप बड़े वो समझदार हो जाएंगे तब देंगे, तब वो आपके पास सुनेंगे भी नहीं। कब देने चाहिए? जब वो बहुत छोटे हैं, अभी सिर्फ आप ही उनके लिए सब कुछ है। इसी समय उन्हें संस्कार दिए जा सकते हैं, जो भी आप डालना चाहें चीजें उसी समय डाली जा सकती है। जब उनकी बुद्धि क्षमता एक समय बढ़ेगी तब आपकी कोई नहीं सुनेगा, वो 10 जगह जाके टटोलेंगे, फिर उनके लिए जो सही होगा उसे धारण करेंगे। अब उनको दूसरे में क्या समझ आया, सही है या गलत, वो निर्णय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो उनकी बुद्धि की क्षमता है। इसलिए संस्कार का समय है ये छोटी आयु बालपन, जब आप उन पर कुछ भी डाल सकते हैं, छपा सकते हैं। तो यहां पर कहा सुनीति ने, पुत्र विमाता को कुछ मत कहो, तुम्हारी विमाता ने जो कहा उसे भूल जाओ, सिर्फ एक बात याद रखो, तुम्हें संसार में यदि कोई कुछ दे सकता है तो वो नारायण है, तुम्हें भगवान की तपस्या के लिए जाना चाहिए। बेटा देखो सब पिता की गोदी में हर एक बालक बैठता है, यदि तुम सच्चे मेरे पुत्र हो तो परमात्मा की गोदी में बैठकर बताओ। यदि तू परमात्मा की गोदी में बैठकर आया तो मेरी कोख पवित्र हो जाएगी। 5 वर्ष के ध्रुव क्या जानता है बालक, माँ को दुखी देखा कि मैं दुखी हूं, मेरी माँ खुद दुखी है पिता के कष्ट से, मेरे पिता ने इनका परित्याग कर दिया। अब तो माँ मैं तुम्हारा आशीर्वाद लेके जाता हूं, मैं भगवान नारायण की गोदी में बैठकर आऊंगा, अब जगत पिता ही मेरे पिता हैं। माँ का आशीर्वाद लेकर के चले जाते हैं जंगल की ओर। उस माँ की क्या अवस्था होगी जिसका एकमात्र पुत्र ही यही है, और उस समय वो जा रहा था तो अपने हृदय पर किस तरह से उसने पत्थर रखा होगा तब भेजा। लेकिन जिसे अभी ये भी नहीं पता कि भगवान दिखते कैसे, कैसे मिलेंगे, वो चल दिया। लेकिन जब कोई चलता है, भक्ति की शुरुआत, भगवान की ओर मार्ग की शुरुआत हमेशा अज्ञानता में ही होती है। आपको कुछ भी नहीं पता लेकिन आपने प्रयास तो किया, तो फिर आगे की मंजिल तक पहुंचाने का कार्य भगवान का होता है। इसलिए जो नहीं जानते ध्रुव जी, उन्हें रास्ते में नारद जी मिले, वो कहते पुत्र कहां जा रहे हो, इस जंगल में तुम किसके पुत्र हो? तो कहा मैं उत्तानपाद का पुत्र हूं, भगवान नारायण की तपस्या करने के लिए आया हूं महाराज। बोले नारायण को जानते हो? बोले नहीं। तो फिर यहाँ पे क्यों आए हो? यहाँ भोजन नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा, कई कई दिन भूखा रहना पड़ेगा, इसलिए जाओ लौट जाओ, राजा के बेटे हो, भूखे नहीं रह पाओगे। सुबह शाम मैया नाश्ता इत्यादि कराती होगी, यहाँ सारे जानवर तुम्हारा नाश्ता बना के खा जाएंगे, इसलिए लौट जाओ। तो कहते हैं कि गुरु जी जब भगवान ने संसार में भेजा था ना, तब हमारे मुंह में दांत नहीं, संसार में सारी चीजें उपलब्ध थी पर मेरे मुख में दांत नहीं थे। लेकिन उस परमात्मा ने वहां पर भी माँ के वक्षस्थल में दुग्ध की व्यवस्था की जिससे मेरा पेट भर सके। अब जब दांत दिए हैं तो व्यवस्था भी वही करेगा। हमें बड़ी चिंता रहती है कैसे होगा कैसे होगा, हमसे अन्यतर जो जीव है वो ये भी चिंता नहीं करते कल क्या होगा, लेकिन सबकी चिंता उस विशंबर को है। एक हाथी भी 3 टन भोजन करता है एक दिन में, कितना? इतना। लेकिन फिर भी महाराज देखो भगवान सबकी व्यवस्था करते हैं। एक चींटी है जिस पर आपकी निगाह भी नहीं पड़ रही,
उसको भी भोजन पहुंचाने का भगवान का दायित्व है। कभी देखा है भगवान ने क्या ऐसा वायरलेस उसको लगाया है, ऐसा कुछ फिट किया है क्या भगवान ने? ब्लूटूथ इत्यादि कनेक्ट हो जाओ भैया, जीपीएस सिस्टम लगाया हो भगवान ने चींटी के माइंड में कि तुम तीसरी मंजिल में एक बिस्किट खा रहे थे, अचानक से टुकड़ा गिरा और आधा एक घंटे बाद भगवान कह रहे होंगे बेटा ऊपर चढ़ो, ऊपर तुम्हारा भोजन ऊपर है। सबकी व्यवस्था प्रभु ने कर रखी है, हर एक छोटे से छोटे जीव की। तो भगवान के भक्त कहते हैं कि भगवान आपकी चिंता कर रहे इसका विश्वास नहीं है। जिसने संसार में भेजा है, हर चीज की व्यवस्था की है, तो वो तुम्हारी कैसे याद भुला देगा? इसलिए जगन्नाथ के प्रति पक्का भरोसा रखें, जब तक उनका हाथ है तब तक आपके जीवन में अपने आप सब कुछ प्राप्त होगा। किंतु कर्म करना नहीं छोड़ना, भगवान को आलसी लोग नहीं पसंद। इसलिए कहा महाराज कि जीवन में यही होना चाहिए। ध्रुव जी महाराज जाते हैं नारद जी को प्रणाम करके, नारद जी बताते हैं किस प्रकार से भगवान का दर्शन होगा। पहुंचते हैं इसी वृंदावन में और भगवान का भजन कर रहे हैं। चलेंगे मेरे साथ वृंदावन? वृंदावन की महारानी कौन है? वृंदावन में क्या बोला जाता है, किसी ने सुना? जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। क्या बोला जाता है? राधे राधे। क्योंकि राधा रानी जब बुलाते हैं तभी वृंदावन लोग आ पाते, नहीं तो नहीं आ पाते। भक्त नृत्य यंत्र च, ऐसा धाम वृंदावन है जहां भक्ति नृत्य करती है। क्या करती है? हर जगह भक्ति भक्ति देखोगे, हर जगह साधु साधु संत महात्माएं, एक से एक बढ़कर महात्माएं। और ऐसे वैसे नहीं महाराज, पक्के पक्के वैरागी, रस में डूबे हुए। हमारे यहाँ तो ब्रज के महाराज ऐसे साधु संत हैं जिन्हें भगवान भी नहीं चाहिए। कैसे हैं? हमेशा रोते रहें बस भगवान की याद में, ऐसी अवस्था में रहना चाहते हैं। भगवान का दर्शन भी उन्हें हो जाए तो वो भी सुखद नहीं है। एक हमारे यहाँ संत हुए जिनका नाम था गौरपाद। ये बहुत बड़े दिव्य महात्मा थे। एक बार भगवान इनको दर्शन देने आए और भगवान ने कहा, बाबा आंख खोल, मैं आया हूं। बाबा कहते हैं, लाला तुम आए हो बहुत बड़ी बात, राधा रानी आई हैं बहुत बड़ी बात, मेरी आंखों की सफलता है। किंतु मोकू तो सिर्फ ये चाहिए कि तुम दोनों ही मत आओ, तुम दोनों अपनी लीलाएं करो, मैं यहां तुम्हारी याद में रोऊं। और वो सुख जो मोकू मिले तुम्हारे वियोग को, मोकुवा में आनंद है। बताइए, भगवान का दर्शन समक्ष हो रहा है लेकिन भक्त को क्या चाहिए? भगवान का वियोग का रस। देखो महाराज, कृष्ण के वियोग में भी आनंद है, कृष्ण के लिए रोने में भी आनंद है। जब उद्धव गोपियों को समझाने के लिए गया तो गोपी कहते हैं, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं क्यों यहां बताने आए हो कि ब्रह्म क्या है, हम ब्रह्म को नहीं जानना चाहती। तुम्हें यदि रोना है तुम्हारे साथ रो लो, क्योंकि हमारा तो कृष्ण के प्रति प्रेम है, उसके अलावा हमारा कौन है, कौन है हमारे जीवन में? श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, आठो याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ही ये श्याम जिए, श्याम बिन नाही तिए, आंध्रे की लाकड़ी आधार नाम श्याम है। ऊधो तुम भई बौरे, तुम पागल हो गए जो यहां आए हो, पाती लेके आए दौड़े, तुम चिट्ठी लेकर आए हमें समझाने के लिए कि हम दुखी ना हो, वो परम ब्रह्म है। अरे योग कहां रखो, तेरा योग यहां क्या करेगा, यहां रोम रोम में श्याम है। तुझे लगता है हम दुखी हैं, उससे अलग हैं? अरे हमारी रोम रोम में कृष्ण थिरक रहा है, तो हमें ब्रह्म ज्ञान देने आया है। और महाराज ऐसो रंगो उद्धव, भक्ति के रंग में उस ज्ञानी को
ऐसे ब्रह्मज्ञानी वेदांती को जिसकी आंखें सूखे रेगिस्तान की तरह और गोपियों के प्रेम की, कृष्ण प्रेम की ऐसी वर्षा हुई महाराज, खिल गए पुष्प जो रेगिस्तान के अंदर महाराज पड़े होते हैं बीज अंकुरित होने के लिए कि कभी वर्षा पड़े, प्रतीक्षा करते हैं जल की, साल साल दो दो साल दस दस साल हो जाते तब जाके वर्षा होती है तो खिल उठते हैं। वैसे के वैसे महाराज उद्धव का जो ज्ञान था वेदांती, उसमें भक्ति प्रेम का सम्मिश्रण हुआ, प्रेम की वर्षा हुई गोपियों के माध्यम से, और उद्धव फिर ज्ञानी नहीं रहा, भक्त हो गया। क्या हो गया? भक्त हो गया, ज्ञानी भक्त हो गया। तो यहाँ पर वृंदावन में आए उद्धव जी, तपस्या की है 5 वर्ष के नन्हे से बालक ने, कितनी कठिन तपस्या की। देखो जब व्रत उपवास रखो ना तो तपस्या करनी चाहिए। तपस्या का अर्थ जानते? आंख कान बंद करके तपस्या नहीं होती, खुली आंखों से होती है। जब भगवान के मंदिर जाना तब तो तुम्हारी आंखें बंद हो जाती हैं, जहां खुली रहनी चाहिए, और जहां बंद होनी चाहिए उस मार्केट में और बाजारों में खोलकर घूमते हो, और भगवान के समक्ष बंद कर लोगे महाराज। कभी भी जाकर के जैसे प्रभु को निहारो ना तो बंद नहीं करनी चाहिए, पहले देखना चाहिए प्रभु, देखने के बाद बंद करो। कई लोग जाते हैं, जाते ही भगवान को देखा नहीं, आंखें बंद, पता नहीं क्या ही करते, मेरे अंदर मांगते क्या है, क्या लगाते, लिस्ट लगती है क्या लगती है, पर पहले प्रभु का दर्शन करो। दर्शन करने के बाद फिर वही परमात्मा को कहो, प्रभु आप जो यहाँ पर विराजमान है आप बस सब मेरे हृदय में भी आ जाइए। इस भाव को लेकर फिर आप अपने मन में उस प्रभु के वो स्वरूप को अंदर बसाइए, ये भाव होता है। लेकिन जहाँ आंख भगवान से मिलानी चाहिए, भगवान का रूप भीतर जाना चाहिए, वहां तो बंद, और दुनिया से भीतर ना जाए, दुनिया वहां पर खुली खुली रखेंगे महाराज, सब देखेंगे, पर भगवान के समक्ष तो इसलिए खुली रखो। तपस्या का अर्थ है जब आप कोई व्रत करते हैं, मैं तो हमेशा आप सभी को यही कहूंगी कि आप कम से कम महीने में 2 एकादशियां रखें। क्या रखें? एकादशी व्रत साक्षात भगवान का स्वरूप है, करुणा का स्वरूप है। यदि कोई 1 वर्ष भी कर लेता है तो 1 जन्म के पाप, 7 वर्ष के लिए एकादशी का नियम ले लेता है तो 7 जन्म के पाप, 11 वर्ष के लिए यदि कोई एकादशी कर लेता है तो अनंत अनंत जन्मों के पाप नष्ट कर देती है, और आजीवन यदि भगवान की एकादशी व्रत धारण कर लेता है तो भगवान श्री हरि उसे अपना लेते हैं ना, हरि के ही धाम को जाता है, हरि का ही हो जाता है। इसलिए एकादशी व्रत साधारण व्रत नहीं है, इतनी महिमा है महाराज एकादशी व्रत की कि आप जन्म जन्म में भी कभी जाते हैं, किसी कारणवश बुरे अपराध के कारण आपको अलग जन्म मिला तो एकादशी करने वाले का जन्म नहीं बिगड़ सकता। एकादशी जो करता है उसके पुण्य अगले जन्म तक भी रहेंगे, वैसे के वैसे इस जन्म में भी एकादशी फल देती है और उसका कभी क्षय नहीं होता एकादशी का। जैसे आप कभी गुरुवार रखेंगे, शुक्रवार रखेंगे, मंगलवार रखेंगे, ये व्रत आपको परिणाम देके इनका फल वहीं की वहीं खत्म। अब आपको नए फल चाहिए तो फिर से व्रत करो, लेकिन एकादशी ऐसा नहीं है। एकादशी का पुण्य हमेशा हमेशा बना रहता है, एक समान, कभी क्षय नहीं होता। इसलिए एकादशी व्रत सभी के लिए अनिवार्य है, बच्चे से लेकर के बड़े से लेकर वृद्ध को, कुंवारी कन्याओं को, सुहागिन स्त्रियों को, विधवा माताओं को, सभी को रखना चाहिए। सभी के ऊपर नियम है, एकादशी तो हर 15 दिन में प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए महाराज। अरे आप संसार की कामनाओं के लिए करते हैं, वो भी पूरी करती है, किंतु यदि श्री हरि की प्रसन्नता के लिए रख लोगे ना तो ऐसी कौन सी चीज है जो हरि पूरी ना करे। आपके घट घट की बात को प्रभु अंतर्यामी है, सब जानते हैं। कभी उनके लिए भी, उनके प्रेम के लिए भी कभी तपश किया जाए कि एक दिन मैं हरि के लिए अपने प्राणों का त्याग करूंगा। प्राणों का त्याग माने एक दिन अन्न नहीं खाऊंगा या अन्न नहीं खाऊंगी श्री हरि के लिए, क्योंकि कलयुग में अन्न के अंदर प्राण बसते हैं। क्या बसते हैं? प्राण है, अन्न से आपके प्राण बनते हैं। जब आप एक दिन का भोजन नहीं खाते
वही आधा किलो के लगभग पूरे 24 घंटे में, तो उतना भोजन फिर दूसरे को खिलाया जाए खुद भूखे रह करके। इसलिए हमारे यहाँ सीधा निकाला जाता है कि आधा किलो आटा, एक किलो आटा निकालो अपने अधिकार का, कुछ चीजें निकालो एक दिन की, वो सारी चीजें ऐसे गरीब लोगों को जाके देकर आओ जो खाएंगे तो तुम्हें भगवान की प्रसन्नता मिलेगी। उस दिन अन्न दूसरों को दो। इसलिए हमारे द्वादशी के दिन अन्न दिया जाता है, क्योंकि आपने नहीं खाया, अपना एक दिन का अन्न हरि के लिए दूसरे को समर्पित किया है, तो श्री हरि की शीघ्र कृपा उस व्यक्ति पर होती है। इसलिए एकादशी भगवान श्री हरि को मिलाने वाली, भगवान से प्रेम कराने वाली है। यदि आप कोई कुछ ना कर सके तो एकादशी व्रत तो अवश्य करो, पर कैसा करो, तपस्या की श्रेणी का करो महाराज। भले 15 दिन में एक व्रत करो, डेली मत करो, तो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है ही, किंतु यदि आपने 15 दिन में एक भी बार व्रत रखा हो पूरी तपस के साथ कि प्रयास करूंगा कि अगर मेरे से रहा नहीं गया तो ही दो समय फलार लूंगी या लूंगा, नहीं तो एक ही समय फलार पैर रहने की कोशिश करो। जल आप पी सकते हैं, चाहे आप 2 बार पिए, 3 बार पिए, 5 बार पिए, जूस पी सकते हैं, पर प्रयास करो कि आप भूखे रह सको, भजन अत्यधिक निकले। एक एकादशी का तेज होता है, तपस बढ़ा देती है, वाणी का तेज बढ़ जाता है, मन का तेज बढ़ जाता है, शरीर का औज बढ़ जाता है महाराज, आपकी की हुई कार्य भी सफल होने लगते हैं अगर आप एकादशी व्रत को। इसलिए आप देखो साधु महात्मा कुछ करें ना करें, एकादशी व्रत तो उनके जीवन में होता ही होता है, क्योंकि तपस आता है उससे, तपस्या की श्रेणी का है। उस दिन वाणी भगवान का गुणगान ज्यादा से ज्यादा करे, उस दिन मन भगवान की कथा में रहे, कुछ अच्छे विचार सोचें, अच्छे पुण्य कार्य करें, तन से अच्छे कर्म होने चाहिए, कोई पाठ इत्यादि कर लो वाणी से तो वाणी का तेज आता है, मन से भगवान की कथा इत्यादि सुन लो, कीर्तन कर लो, और शरीर से भगवान की कोई सेवा, सालिग्राम जी को उस दिन स्नान कराया। कई बार लोग कहते हैं कि स्त्रियों को सालिग्राम नहीं छूने चाहिए ना, एका धर्म शास्त्रों में श्लोक इत्यादि है उसके कारण, पर स्कंद पुराण में वर्णन है सभी माताएं कर सकती हैं पूजा, यहाँ तक कि शूद्र श्रेणी में आने वाले लोग भी सालिग्राम की पूजा कर सकते हैं। स्कंद पुराण के चातुर्मास खंड के अंतर्गत गालव ऋषि का वर्णन आता है, गालव ऋषि का संवाद आता है, कौन से लोग कर सकते हैं जो भगवान विष्णु के भक्त हों। शालिग्राम शिला को कौन ग्रहण कर सकता है, कौन पूजा कर सकता है, माताएं भी हो पर कैसी हो, सद्धर्मा हो, स्त्रियां कैसी होनी चाहिए जो भगवान विष्णु की भक्त हो। वो शालिग्राम शिला का स्पर्श नहीं, उन्हें पूजन भी कर सकती है, उनको अभिषेक भी कर सकती है। वो नारियों के लिए मना किया गया है जो हमारा अधम है, अधम का अर्थ है गलत कर्मों में लगी हुई है, चरित्र से ठीक नहीं है, जिनके जीवन में खुद की अशुद्धि है, ऐसे लोगों को सालिग्राम शिला से स्पर्श नहीं करना चाहिए। पर जो सद्धर्म में, सत्कर्म में, धर्म कार्यों में हमेशा भगवान के लिए लगी रहती है, ऐसी माताएं हमेशा कर सकती हैं पूजा, तो उनके लिए कोई मनाही नहीं है। और जिनको लगता है प्रमाण चाहिए तो उन्हें स्कंद पुराण का चातुर्मास खंड एक बार को अवश्य पढ़ना चाहिए, जिसमें स्वयं हमारे ऋषि बोल रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, अभिषेक करें सालिग्राम शिला की, या फिर बालकृष्ण लाल का उस दिन एकादशी वाले दिन आपको अभिषेक करना चाहिए। हो सके तो एक दिन पहले तुलसी पत्र तोड़ लें और वो भगवान को अर्पित करें, भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उस दिन गजेंद्र मोक्ष का स्त्रोत का पाठ कर ले, ज्यादा ना हो तो हमारा पुरुष सूक्त का पढ़ ले, पुरुष सूक्त पढ़ने से अत्यंत लाभ मिलता है। वो भी ना कर सको तो महाराज हरिनाम संकीर्तन कर लो, राधे कृष्ण कह लो,
जैसा भी बने अपनी वाणी से कुछ बोलो, तन से कुछ करो, मन से, इन तीनों का समावेश यदि एकादशी वाले दिन हुआ। और कई लोग होते हैं जिनके पास हमारे इतना समय नहीं है कि इतना पूजा पाठ कर पाए या इतना वाणी से बोल पाए, तो वो अपने कार्य में चलते हुए मानसिक रूप से करें। मन में भगवान का नाम हो, प्रभु की याद बनी रहे, उनकी करुणा को आप बार बार याद करते रहे, उनकी कृपा को कि वो आपके जीवन में एकादशी के रूप में स्थित है। एकादशी व्रत आपको धारण कराए, इसका अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके जीवन पे, तभी आप ये व्रत धारण कर पाएंगे। तो इसलिए कोई व्रत करो ना करो, किंतु एकादशी व्रत तो अवश्य करो। श्री कृष्ण का स्नेह प्रेम दिलाने की ताकत है इस व्रत के अंदर। तो यहाँ पर तपस्या करने के लिए गए, कैसा व्रत किया ध्रुव ने? अत्यंत कठिन व्रत किया। तीन तीन दिन तक कुछ नहीं खाते। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते प्राप्ते कपितवद राशनम्। तीन तीन दिन तक कुछ नहीं खाते, तीन दिन के बाद जब चौथा दिन आता तब बेर खाते हैं। फिर तीन दिन भूखे, एक महीना व्यतीत हुआ, दूसरा महीना, पांच वर्ष के हैं। दूसरे महीने में छह छह दिन तक कुछ नहीं खाते ना कुछ पीते। छह दिन के बाद जब सातवां दिन आता है तब केवल जल पीते हैं। फिर सात दिन भूखे प्यासे, दूसरा महीना भी निकल गया, भगवान के दर्शन नहीं हुए। आयु कितनी है? पांच वर्ष। तीसरा महीना आरंभ हुआ, नौ नौ दिन तक ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं। नौ दिन के बाद जब दसवां दिन आता है तब केवल श्वास लेते हैं एक दिन, फिर नौ दिन बिना श्वास के व्यतीत कर देते हैं। तीसरा महीना भी गया महाराज। चौथे महीने में महाराज बालक ने श्वास लेना बंद कर दिया, तब स्वयं भगवान को आना पड़ा और ध्रुव जी पर कृपा करनी पड़ी। ध्रुव जी के मन में लालसा थी राज्य की, पिता के प्रेम की, भगवान ने वो सब प्रदान किया। किंतु अब अपनी भक्ति के कारण भगवान ने ऐसा लोक भी दे दिया ध्रुव लोक, कि पुत्र सब लोग जब पृथ्वी पर आते तो मरने के उपरांत ही मेरे तक पहुंचते हैं, किंतु तुम सा शरीर मैं तुम्हें ऐसा लोक देता हूं जो कभी नष्ट नहीं होगा। मृत्यु पर पैर रख करके यानी जीवित ही उस लोक तक जाओगे। तुम मृत्यु से ऊपर हो, तो मृत्यु भी ध्रुव का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। मृत्यु को भी महाराज स्पर्श करके उसके सिर पर पैर रखकर ध्रुव लोक को गए, और ऐसा लोक आज भी आप देखते हैं ध्रुव तारा के रूप में विराजमान है। ये भगवान का दिया हुआ लोक है। हमारे यहाँ कहा जाता है जिसकी मृत्यु बहुत नजदीक है, छह महीने तक ही की है, उसे ध्रुव तारा नहीं दिखेगा। हमसे किसी पत्रकार ने पूछा, उन्होंने कहा अगर ये सब, क्योंकि शास्त्रों में बताया ना कि ये चीजें हो तो मृत्यु नजदीक है, आपको अपनी इंद्रियों से आंखों से अगर ये हिस्सा ना दिखे तो मृत्यु नजदीक है। तीन चार महीने में किसी की मृत्यु होने वाले, तो कान से जब सुनोगे तो आवाज नहीं आएगी, अपनी परछाई नहीं दिखेगी, ना जल में ना ऐसे परछाई दिखेगी, तब समझ लीजिए आपकी मृत्यु बहुत जल्दी तीन चार महीने में होने वाली है। तो किसी ने पूछा अगर अगर किसी को ऐसे लक्षण दिखाई पड़े तो क्या करें? मैंने भगवान का नाम लो, दूसरा डॉक्टर को दिखाओ, और क्या ही करोगे आप? प्रभु के नाम में ये सामर्थ्य है कि वो आपको इस समस्या से भी निकालने की सामर्थ्य रखते हैं। यदि आपके जीवन में थोड़ा बहुत भी कर्म प्रारब्ध इस जन्म का रहा है तो पक्का जीवन ठाकुर जी कृपा से कभी कष्ट आ भी जाए तो बच जाता है। तो वो श्री हरि की कृपा के ऊपर है, वो चाहे तो महाराज जीवन नहीं है फिर भी जीवन दान दे दें। अजामिल का जीवन खत्म हो चुका था लेकिन श्री हरि की कृपा से उसे 10 वर्ष और मिले जिससे वो भजन कर सके, तो प्रभु क्या नहीं कर सकते, प्रभु के हाथ में है।